दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक विश्लेषण किया है जिसकी रोचक तथ्य आपको जानना चाहिए। मोदी कैबिनेट में शामिल 56 मंत्रियों के विषय में ये एनालिसिस की गई है। मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट में शामिल 56 मंत्रियों में से 51 करोड़पति हैं और 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने हलफनामों में दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 58 में से 56 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य हैं। एडीआर ने कहा है कि 51 यानी कि 91% मंत्री करोड़पति हैं। औसतन हर मंत्री के पास 14.72 करोड़ की संपत्ति है। गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल समेत 4 मंत्रियों ने 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 56 मंत्रियों में से 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। वहीं 16 ने गंभीर आपराधिक मामले होने की बात कही है जिनमें हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और चुनाव उल्लंघन जैसे मामले शामिल है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं के बीच बताई है। वहीं 47 स्नातक हैं, एक मंत्री डिप्लोमा रखते हैं, तो वहीं जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान और विदेश मंत्री एस जयशंकर के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि दोनों ही फिलहाल संसद के सदस्य नहीं है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गुरुवार को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी समेत 58 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 6000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे।